हाँ जी हाँ मैं पहुंच जाऊंगी, आप टेंशन मत करो। हाँ अभी आप फोन रखो, कोई आ रहा है। क्या भाभी आप मेरे सर पे चढ़ के पोछा क्यों लगा रही हो? दूर हट के नहीं लगा सकती? बात सुनने की तो आदत ही पड़ गई। भाभी जी आप क्यों कर रहे हो ये काम? चलो आप जाइए। नेहा एक ग्लास पानी देना। वो रखा है पी लो। नेहा तुमको भाभी से इस तरह काम नहीं कराना चाहिए। मुझे मत सिखाओ। मुझसे दूर आ करो, मुझे ये पसंद नहीं है। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारे बिस्तर अंदर है, मेरे पास सोने की जरूरत नहीं, तुम जा सकते हो। शायद तुम्हारा फोन आ रहा है। हाँ मैं देख लूंगी। या, आप आ गए। लोकेश बाहर? तो बाहर क्यों बैठा है? कुछ नहीं भैया। लोकेश इस लड़की से शादी कराई, मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी भाई। मुझे माफ करना मेरे भाई, आखिर ये चाहती क्या है? रोज रोज का क्या नाटक है ये? जब ये तुम्हें पसंद नहीं करती तो तुम इसको छोड़ क्यों नहीं देते? लोकेश मुझे नहीं लगता ये तुम्हारी फीलिंग समझ पाएगी। भैया आखिर कब तक नहीं मानेगी? एक ना एक दिन मैं अपनी फीलिंग्स को समझा के मानूंगा। कोई बात नहीं भैया, आप आराम कीजिए। ठीक है। अरे मीरा। जी आई। आखिर इस घर में चल क्या रहा है? मीरा मुझे भी समझ नहीं आ रहा, ऐसा क्या करें कि एक दूसरे के साथ खुश रहें? मैं भी देख रही हूँ, पता नहीं किससे बातें करती रहती है। ठीक है फिर मैं इनको समझाने की कोशिश करूँ। नहीं नहीं तुम तो रहने ही दो, वो ऐसी ही है, वो आपकी भी इंसल्ट कर देगी। इसका सॉल्यूशन क्या है? अरे अतुल तेरा फोन बज रहा है, देखना किसका है। हेलो आओ यार, कब से इंतजार कर रहा हूँ। अरे आओ यार रुकने यार, आओ यार जल्दी आओ यार, बोल रहा हूँ मैं जल्दी आ रहा हूँ, 15 मिनट नहीं 10 मिनट में। हेलो अरे रुक, कौन है ये नई मुर्गी? अरे यार तो अपने तो कलाकारी जानता ही है ना। वो तो है, पैसे वाली है क्या? अपन गरीब फंसाते नहीं, अपन फंसाते पैसे वाली। अरे लगता है अभी और तू मेरी बात जरूर करा, तू इसके सामने बोलना मत कुछ। ठीक है ठीक। हाँ जी कहाँ है आप? मेरा यार वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। चलो अब पहले तो तुम ये बताओ कि हम जाने का वाले हैं और तुम्हारा आगे का प्लान क्या है? यार प्लान
मैं बताता हूँ सुन अतुल, इस लड़की से प्यार करता है ना? बहुत प्यार करता हूँ यार। और नेहा तुम? करती हूँ। तो ऐसी बात है, अपने बोरी बिस्तर उठा उस लड़के के साथ फुर, और वैसे तुम्हारा जो पति है ना, क्या नाम है उसका, जो भी है उससे भी तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है ना? अरे वो बोरे हाँ नेहा, वो देखो ज्वेलरी और वो कैश लाना मत भूलना। टेंशन मत करो, मैंने रख लिया है। वो ध्यान से है ना, ठीक है, बाय बाय। ओके अरे कहाँ हो नहीं रहा यार, कब से मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा यार। हाँ आ रही हूँ बस, वो निकलने वाले हैं, पैकिंग कर रही हूँ। हाँ हाँ पापा, मैंने गहने वहने सब कुछ सब रख लिए, चिंता मत करो, मैं निकल रही हूँ बस। हाँ ओके। बाबा आ रही हूँ ना, रुक नहीं सकते, वेट करो बस, मैं निकल रही हूँ। पानी आ गई तुम? हाँ, लो चलो फटाफट निकलना अपने को, तुम्हारा। अरे सुन अतुल, यहाँ से फटाफट हमको निकलना है। और हाँ बैग तो तू ले ही ले, इसको देखना इसमें। उसमें ले आई तुम सब जो मैंने बोला था तुम्हें? देखना यार फटाफट, देखना निकलना भी है हमें। ले इसमें ज्वेलरी और कैश कहाँ है? तुम मुझसे नहीं मेरी दौलत से प्यार करते हो। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पे हाथ उठाए? बहुत हो गया तेरा ड्रामा, चल निकल अब यहाँ से। I'm so sorry लोकेश, मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। मैंने तुम्हारी डायरी भी पढ़ी थी और उसमें देखा कि तुमने मेरे पापा का दिया हुआ सारा दहेज मेरे नाम कर दिया था और मेरे पापा की बहुत सेवा भी करी। मुझे बहुत दुख है कि मैंने बहुत गलत काम किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने सीरियसली तुम्हें बहुत गलत समझा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और जितनी भी गलती मैंने की, मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रही हूँ, लेकिन अब मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें रियलाइज़ हुआ। आई लव यू सो मच।